वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल से जुड़े एक ऐसे टॉपिक की जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये टॉपिक एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलने के बाद से चर्चा में आया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या ये जो आर्टिकल निकला है ये सच है, क्या ऐसा ही होने वाला है या कुछ और है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स जानकारी बता दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए और उनको भी सच क्या है और क्या नहीं ये मालूम हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को ये बता दूं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का नया बैच अपकमिंग वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस में 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से जो कैंडिडेट्स आईटीआई इलेक्ट्रीशियन किए हो और अपकमिंग वैकेंसीज जैसे कि आपकी विजाग स्टील, हरियाणा लाइनमैन, पंजाब में आने वाली है लाइनमैन की, उसके अलावा यूपीपीसीएल की अपकमिंग जो TG2 की वैकेंसी है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप आइए इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस आकर के ज्वाइन करिए और क्लासेस करिए। हम लोग 3 से 4 महीने का समय ले रहे हैं, 3 से 4 महीने में आपको फुल सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके आप डिटेल्स दे सकते हैं और आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आकर के तैयारी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर हो सकता है कि कोई और कारण हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रिपरेशन जारी रखिए और जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा बनाए गए नोट्स को अपने जो घर है उस पर अपने एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप बना सकते हैं। ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों के नोट्स आपके तैयार हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है आपका टेक्निकल का नोट्स और ये है आपका कंप्यूटर का नोट्स। अगर आप टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप टेक्निकल और कंप्यूटर दोनों के नोट्स आप अपने एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाएं। इसकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं और अपने एड्रेस पर इसको मंगवा सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये जो चर्चा चल रही है यूपीपीसीएल से रिलेटेड ये कब शुरू हुई और पूरा मामला है क्या। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी 29 तारीख की है, 29 जुलाई की। इसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा विभाग को बेचने की तैयारी में प्रबंधन। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग पढ़ करके काफ़ी स्टूडेंट्स निराश हो गए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि क्या अब UPPCL में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या सच में UPPCL प्राइवेट होने वाला है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी सच्चाई आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि हर घर को बिजली और हर दिन बेहतर बिजली के सपने को ऊर्जा प्रबंधन परवाह नहीं चढ़ने देना चाहता। सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रचार प्रसार तो कर रही है लेकिन प्रबंधन सिर्फ मीटिंग करने में व्यस्त है। 1 माह में 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है और अवर अभियंताओं का उत्पीड़न किया जाता है। इससे नाराज बिजली इंजीनियर सब प्रदेशव्यापी महाआंदोलन करने जा रहा है। नियम विरोधी नीतियों को लागू करने एवं वादा खिलाफी से नाराज विद्युत जूनियर इंजीनियर संघ ने 5 अगस्त से सितंबर तक धरना और विरोध प्रदर्शन और घेराव की रणनीति बनाई है। तो ये जो नोटिस निकली है, ये जो आपका आर्टिकल निकला हुआ है, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप 29 तारीख का हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, उसमें आपको ये आर्टिकल दिख जाएगा। बात करें कि जो ऊपर हेडिंग है और जो इसके अंदर लिखा हुआ है दोनों में क्या फर्क है और क्या ये सच में होने वाला है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो बात की जा रही है ये जूनियर इंजीनियर संघ ने आरोप लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर, आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, आरोप लगाया है विभाग के ऊपर कि वो उसका जो मैनेजमेंट है वो वैकेंसीज को लाने नहीं दे रहा है और वो उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। ये किसी भी तरीके से विभाग ने नहीं कहा, ये कहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि UPPCL प्राइवेट हो रहा है, ये केवल एक आरोप है। और आप लोगों को बता दूं कि जब तक आरोप साबित नहीं होता है तब तक आरोप आरोप ही रहता है। इसके बाद जो चीज़ नोट करने वाली है इस न्यूज़ कटिंग की वो भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और इसको पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि इस न्यूज़ कटिंग के पीछे मकसद क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक और कटिंग लिख करके आ रही है, उसमें आप देखिए क्लियर लिखा हुआ है संगठन ने ये प्रमुख मांगे उठाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि और अभियंता का ग्रेड वेतन
4600 की प्रभावी तिथि जनवरी 2016 से किया जाना और अभियंताओं को समयबद्ध वेतनमान न्यूनतम 3 पदोन्नति क्रमशः सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता का दिया जाना समेत अन्य मांगे लंबित हैं। इन मांगों पर विचार न किया गया तो मजबूरन संगठन आंदोलन करेगा। इस बैठक में डीवी पटेल, वीरेन कुमार आदि लोग मौजूद थे। तो क्लियरली इसमें दिख रहा है कि जूनियर इंजीनियर संघ को अपनी कुछ मांगे हैं उनकी, और उस मांगों को लेकर के उनको आंदोलन भी करना है। तो इसमें ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को भी शामिल करके, मैनेजमेंट को टारगेट करके और अपकमिंग वैकेंसीज का नाम लेकर के ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी बात सच हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि संगठन चाहे जो सा भी हो, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, हर संगठन अपना प्रेशर दिखाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन का रास्ता लेता है, और इस धरना प्रदर्शन के लिए उनको एक मजबूत मुद्दा चाहिए होता है। तो हो सकता है कि ये जो विभाग की जो मनमानी है, इस विभाग की मनमानी को आपकी वैकेंसी से जोड़ते हुए, क्योंकि सबको पता है कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है और अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही है, और जो आई भी थी वो कैंसिल हो गई है। तो हो सकता है कि इसको जोड़ते हुए जो संघ है वो अपनी बातें मनवाने के लिए, ज्यादा प्रेशर डालने के लिए वो इसको इससे जोड़ रहा है और आंदोलन की धमकी दे रहा है। तो इसमें दोनों पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो संघ है उसकी बात सही हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये अलग चीज है, और ये जो आपकी जो आंदोलन है ये अलग चीज के लिए हो रहा है। दोनों का एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के छपने के बाद से जो लोग हैं उनके अंदर कंफ्यूजन हो गया है। उनको ये लग रहा है कि जो अब वैकेंसीज है वो सही में खत्म हो रही है, और जो प्रबंधन है वो सच में जो डिपार्टमेंट है उसको बेचने में लगा हुआ है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि यूपीपीसीएल में वैकेंसीज आएगी और यूपीपीसीएल प्राइवेट नहीं होने वाला, इसके लिए आप ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको अलग अलग डिस्कॉम से मांगी गई जानकारी के बारे में आपको बताया है कि यूपीपीसीएल ने किस तरह अलग अलग डिस्कॉम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, और किस विभाग में कितने स्वीकृत पद हैं और कितनी बाकी डिटेल्स हैं, ये सब आपको उस वीडियो पर क्लिक करके मिल सकती है। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पूछ रहे थे कि जो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनर्जी सेक्टर में, जो आपका ट्रांसमिशन सेक्टर है, जो आपका एनर्जी जनरेशन है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वेस्ट कर रही है, इससे क्या यूपीपीसीएल की वैकेंसी पर कोई असर पड़ेगा? मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल इससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एनर्जी डेवलप कर रहे थे, एनर्जी बना रहे थे, एनर्जी जनरेट कर रहे थे, उनसे यूपीपीसीएल एनर्जी लेता है, उनको बिजली को खरीदता है, और अभी भी बहुत से हैं जो कि बिजली उत्पादन करते हैं और यूपीपीसीएल को बेचते हैं। तो अगर कोई नई यूनिट्स एनर्जी जनरेशन की खुलती है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएल की भर्ती अलग है, और इसको जो प्राइवेट सेक्टर है जिसका जो कि एनर्जी बना रहा है वो उसका काम होगा कि वो एनर्जी बनाएगा, और यूपीपीसीएल के पास और ऑप्शंस हो जाएंगे कि वो और दूसरे दूसरे लोगों से एनर्जी खरीद सकता है। तो जो लोग भी इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद परेशान हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब भर्ती नहीं आएगी और यूपीपीसीएल को प्रबंधन बेचने की तैयारी में रहे, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग तैयारी जारी रखिए और बहुत ही जल्द आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जो कह रहा है कि प्राइवेट हो रहा है उसको कहने दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है और आप अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज करिए। ये एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार एसटी की सीरीज है, स्पीड टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट पेपर्स हैं, उसको आप पीडीएफ के माध्यम से अपने पास मंगा सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देखें कि आपको टेक्निकल में कितना आ रहा है और कितना परसेंट आप तैयार हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो एसटी की सीरीज है उसको लें और उससे एनालाइज करें और अपने आप को एग्जामिन करें कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, अगर ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।